तो आपको हमने दिखाया था शाम का इवनिंग का स्नैक, आज है ब्रेकफास्ट का सीज़न। ये देखिए ब्रेड बढ़िया तरीके से ग्रिल हो रही है। हाँ हाँ चाहिए चाहिए, चाहिए चलो नहीं चाहिए, आप लोगों को चाहिए तो आप खा लेना गाइस, ठीक है। बढ़िया बढ़िया छोले आपको दिखाया था मैंने। ओह माय गॉड, साथ में ये क्या है? इडली, इडली और सांभर। ये है उपमा। प्रॉपर जगह है बैठने की, सुबह सुबह फुल भीड़ हुई पड़ी है यहाँ पे। आप यहाँ पे रूम भी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और एक ही बात, ये नया रास्ता बना है, ये देख रही हैं, देख रहे हैं, हथकुआर तक जाने के लिए इससे 6 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत इजी स्ट्रेट अप। क्या हुआ, मैं आपको जल्दी जल्दी अपडेट देता हूँ। हम यहाँ पे खाना खाने आ गए हैं, वहाँ पे अभी वेदर ऊपर ठीक नहीं है तो हेलीकॉप्टर का राइड हमें मिला नहीं। अभी उन्होंने वेट करने के लिए कहा तो हमने सोचा यहाँ पे हम वेट क्यों करें, हम खाना खा लेते हैं। और टाइम हुआ अभी 10 बजे और यहाँ पे अगर आप लोग खाना खाने आए तो पहले जल्दी आ जाएं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे भीड़ रहता है सुबह, बट अभी 100 रुपये लिए हैं पर पर्सन, 200 रुपीज़। उसमें हमें क्या क्या मिला, इडली सांभर, मिक्सिंग, छोले और बड़ी मुश्किल से हमें खड़े होके हमें मिले हैं पूड़ियाँ, उत्पम मिला है और ये हाथ आएंगे, हर जगह हाथ ही घुसाए जा रहे हैं तो पूड़ियाँ मिली हैं साथ में कॉफ़ी और चाय। लड़के हम हैं अनिल भाई के साथ, अनिल भाई हमें लेके जा रहे हैं कहाँ पे, नाम बताओ, बाणगंगा। बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, चलो अंदर चलो, बाद में हम उनके पर्स देखेंगे कितना है। चलो ले आओ जी, ले आओ पहले ले आओ। हाँ जी भाई जी बताओ, अब आपको देख सारी दुनिया देख रही है, आप यहाँ के बारे में बताओ, दो रास्ते खुले हैं, कौन कौन से रास्ते हैं, कितने कितने किलोमीटर दूर है? थोड़ा तेज बोलो, तारा गोल्ड कहते हैं, कितने किलोमीटर है यहाँ से? वो यहाँ से यार ये वो इधर से अभी 4 किलोमीटर ऑटो जाएगा, उसमें 4 किलोमीटर ऑटो और ऑटो वाला लेगा 200 रुपए के करीब, 210 रुपए। डिस्काउंट नहीं होगा, और वो लंबा रास्ता है क्या? वो बड़ी प्लेन है यार थोड़ा, वो आते हुए ठीक है, बाकी हमारा ऊपर ऑटो चला गया तो हम पहुंच जाएंगे ना, बात ये भी है। थोड़ा पीछे से तेज ज्यादा खींच के, 1 2 3 4 खींच दो अपना ऑटो यार। अधकुआरी से आगे जाएंगे, अधकुआरी से आगे ऑटो चलते हैं, कितने रुपए लेते हैं? 375 रुपए पर हेड लेते हैं। बस के बाद फिर हम एक और बात करेंगे, केबल कार चलती है ऊपर भैरवनाथ की तरफ, वो कितने रुपए लेती है? वो 100 रुपए लेती है सर आने जाने का, 100 रुपए आने जाने का, बहुत ही बढ़िया। भैया आप जहाँ तक हमें छोड़ोगे वहाँ से आगे कितना रास्ता हमें तय करना पड़ेगा? 14 किलोमीटर ऑटो तक 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तो 6 किलोमीटर हमें चलना है आज, और उसके बाद फिर हमें ऑटो मिल जाएगा होपफुली। यात्रा पूरी रात पूरे दिन कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है? कोई नहीं है। भैया ने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, हेलीकॉप्टर का कोई भरोसा नहीं है, पेट्रोल कम चल रहा है। चलो भाई नहीं, अभी क्या है हमें जाना है माता रानी के पास, जाना तो जरूर, अब जाएंगे पैदल और दैट्स इट है ना। हर हर जय माता दी। तो 1500 में भाई ने हमारा डन किया है, एक बंदे का कहाँ गया, गायब हो गया। वो देखो ये है भाई जी, आ जाओ इधर से आ जाओ ना, डन करेंगे वेलकम, नहीं ग्रह प्रवेश करते हैं, सीधा ग्रह प्रवेश होएगा घोड़े के अंदर। थैंक यू भाई जी, अनिल भाई ने हमें कैश के लिए हेल्प करी है, हमारे पास कैश नहीं था, अच्छा गाइड किया, सब कुछ बताया, मजेदार। बहुत सारा कैश आता है तो आप कैश ले सकते हैं उनसे। आपको हमने परेशान तो नहीं किया, आपको भैया बढ़िया था सफर, ठीक है। चुन्नी भी आई है भाई के पास, भाई अभी दम मार के हटा थोड़ी देर पहले, आंखें बता रही हैं। भाजी ले आओ जी, मेरे हाथ चले आपके कैश मेरे पास लेके दी, थैंक यू भाई। हमारा टारगेट है कि एज सून एज पॉसिबल हम तो पहुंच जाए और दर्शन करके नीचे आ जाए। ये देखो इतनी बड़ी लाइन, लाइनें बहुत लंबी है भाई जी, यहाँ से जब भी आए आप जल्दी आए यहाँ पे है ना, यही सबसे बेस्ट रहेगा।
जय माता दी। देखेंगे, चेकिंग करेंगे कि हमारे पास कोई अफीम या फिर तो कोई मैरिजुआना या फिर तो कोई ड्रग्स तो नहीं है या सिगरेट तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है। तुम बाकी तो नहीं खाती ना तुम? हाँ, अब तुम सब छोड़ के जाओ यहाँ पे, जो भी तुम खाती हो, चैनी खैनी एंड ऑल दैट, तो ठीक है। हाँ, वो सब आप लोग ना लेके जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है। क्या बोलते हैं, विमल पान मसाला भी? वो विमल पान मसाला भी? या ऑफ कोर्स, वो तो अजय देवगन बोलता है। अजय देवगन क्या यहाँ पे आएगा, फिर देखते लेके आता नहीं आता। घर वालों से बात करते हैं, करते हैं थोड़ी देर बात। हर महादेव, जय माता दी। ये देखिए, ये पर्ची है, तुमने दिखाना। और सब कुछ बढ़िया था, मेरे को कैमरे भी ले लिया था, एक शॉट लेट करवाया उन्होंने, अंदर से शॉट में आया, पर कोई नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। अभी बहुत भीड़ हो रही है, देखो किलोमीटर। अच्छा जी, माता जी गंज जाओगे 20 किलोमीटर। और अदगौरी कहाँ भी चले जाओ, 20-22 का अलावा कुछ भी कम। अभी पहुंचे नहीं हम। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, चढ़ाई में स्टार्ट कर दी हुई है। सीढ़ियों का पहला हमने शॉर्ट कट मारा है, आप लोगों को पता ही होगा जब जो यहाँ से आया है। सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए यूज नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल चलना, अगले वो नॉर्मल चल लेंगे। हाँ, जय माता दी, जय माता दी। पंडित जी, पंडित जी वीडियो बन रहे, तो बन रहो वीडियो, बन रहे तो बन रहो। वी जस्ट, वी आर जस्ट क्लियरिंग ऑल द पसीना एंड वी जस्ट वांट टू से कि हमने 3 सीढ़ियों का शॉर्टकट लिया है। शाई इज डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट। इन आई थिंक 45 मिनट्स, और हम 3/4 पहाड़ तो हमने टॉप दिया। 536 हमने स्टेयर्स पहले की, 536 स्टेयर्स हमने पहले करी, ये भी इतनी थी 400 प्लस। अब इसके बाद ये नज़र आ रही है आपको, ये वाली स्टेज हम करने जा रहे हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, हम कहाँ जा रहे हैं, पहले हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? हाथ कुआरी। और हमने एज सुन एज पॉसिबल करना है, हमने घोड़े नहीं करे, हमने कहा यार ये वाला तो एटलीस्ट कर ही लें, है ना। और फिर अब हम ऊपर जाके ऑटो करेंगे, और एज सुन एज पॉसिबल 20-30-40 मिनट्स में ऊपर ही पहुँच जाएंगे। विद इन 1.5-2 आवर्स हम ऊपर ही होंगे, दर्शन करके फिर नीचे आना तो बहुत इजी रहता है, क्योंकि ढलान होने के लिए, है ना। ऑलराइट, सो आपको नेक्स्ट अपडेट देते हैं थोड़ी देर बाद। माता वैष्णो देवी का हम ये ट्रिप कर रहे हैं, जय माता दी। हम लास्ट सीढ़ियों में 526 सीढ़ियाँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ हर, इसने नॉन स्टॉप ऊपर तक पार कर दिया, बस थोड़ा सा रह गया और हम ऊपर, सिर्फ 5% रह जाएगा उसके बाद। She's doing great. फिर मैंने इसे पूछा ये क्या इधर आने वाली, ये क्या नीचे वाला है, किशमिश, वेरी गुड वेरी गुड। और ये फ्रूट है, ये खजूर, खजूर वेरी गुड। और ये कुर्बानी, वेरी गुड वेरी गुड, सो दैट मींस शी इज ओके। और ये क्या, ये क्या लास्ट पाबे, केसर, केसर वेरी गुड, एंड नाउ शी इज ओके। एक मेंटल गेम थे, नाइस।
जी क्या नाम है आपका? मंत्रांग शर्मा जी। कितने साल से यहाँ पे? मैं जी 83 से काम कर रहे हैं। देख लो जी भाई जी, बहुत बकरी है ना? नहीं जी। किसकी? गाय और भैंस। गाय और भैंस। अच्छा अच्छा, पक्की है। 20 साल से तो मैं खा रहा हूँ। 20 साल से आप खा रहे हो? देखो जी, वाह जी वाह, मजा आ गया। कभी कभी मिलती नहीं है, किस्मत वाले जी मिलती है। 1984 से आ रहा हूँ मैं। अच्छा जी, कितने साल हो? कहाँ से हो आप? गुवानीगढ़ पंजाब से। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। कैसे दर्शन, ऊपर जा रहे हो अभी? नीचे ऊपर जा रहे हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी एक मना के दो, बढ़िया सी। फाइनली हम अपनी वाइफ के साथ आए हैं आप यहाँ पे। भैया बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ, किस्मत अच्छी है। जब भी आप ये चूड़ी खाएँ, क्या कहते हैं इसको, आइसक्रीम? मलाई बर्फ। मलाई बर्फ ये नहीं मिलती है, मतलब आइसक्रीम नहीं मिलेगी। वाह जी वाह, ये लो मलाई बर्फ। एनी रिएक्शन ऑफ मलाई बर्फ? खाने के बाद रिएक्शन दे दी। या डेफिनेटली। ये गा के मुझे पता क्या याद आ गई, मुझे याद आ गई मेरी बहनों की, मेरी भाइयों की, मेरे फैमिली की। हम उनके साथ यहाँ पे आया करता था, हम ये घूमते थे और ये खाते थे। ये किस्मत वाले हैं, हम खा पा रहे हैं। ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है भाई का। और एक और चीज़ है, कोकोनट का लड्डू अभी मिलता है, देखते हैं हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। वाओ, अब आप खाओ एक बाइट, बताओ मुझे कैसा लगा। बड़ी जल्दी पिघल जाती है। खाओ खाओ। मुँह में जल्दी पिघल जाती है। मज़ेदार एनर्जी देगा ये। मलाई और बर्फ़ ही है, एनर्जी देगा हमें बढ़िया तरीके से जाने के लिए आगे हरिद्वार तक पहुँचते हुए। निकल गया, मज़ा आ गया। ये देखो जरा सी रह गई है। आई थिंक 30 रुपीज़ की है, ज़्यादा महंगी नहीं है ना। पहले हमने वहाँ पे 20 रुपीज़ की थी पहले वहाँ पे, हमने कहा चमुंडा देवी में, पर वो डिफरेंट रही। ये एक मतलब ये रियलिटी में ऑथेंटिक है ना। उसमें खोया था, वो खोए की बनी थी, वो तो कोई भी बना देगा, लेकिन ये मलाई, ये काफी यूनिक है। बोले बोल लेते हैं, खा रहे आप? खाई हुई है ना, बनना नहीं कभी। अच्छा जी, कहाँ से हो आप? होशियारपुर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूरा तल के तोल के कितने की भैया ये बता दो? 20 की 65 ग्राम है, 30 की 100 ग्राम है। वेरी गुड, वाह जी वाह। एक और मलाई बर्फ, वाओ, फेमस मलाई बर्फ इन वैष्णो देवी बिफोर हजार से भी ऊपर, 1500 अभी 1800। वाओ, चलो हम ये ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अगर आपको मलाई बर्फ अच्छी लगी हो तो यहाँ पे आगे जरूर खाना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना अगर आपने भी खाई है तो। अंदर से ठंडी हो गई यार। ओके, और हम जल्दी जल्दी पहुँचने वाले हैं वहाँ पर, फिर करेंगे ऑटो वोटो पहुँचेंगे।
ऑलराइट गाइस, अभी हम मरिंडा 60% और 40% ड्यू एंजॉय कर रहे हैं। नाम का पानी वाला शुगर नहीं है, नमक नहीं है और फुल पानी है और कलर है है ना, जो भी है। कहने का मतलब हमें अब हम इतने फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हैं क्योंकि हमें ऑटो नहीं मिला। ऑटो का 30 दिन का टाइम था, जो ऑनलाइन वाले उनको ही नहीं मिल रही टिकट, तो ऑफलाइन वाले को क्या। देखो भवन 5 किलोमीटर है, बस कर देंगे गेम डन, कर देंगे है ना, कर देंगे हम। और बस यही अपडेट देना था, लोग अपना मस्त जा रहे हैं ऑटो पे। चलो कोई नहीं, आगे अपडेट आपको देंगे। मौसम वेदर बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है। और देखो सीनियर बने पड़े हैं, लोग आ रहे हैं और हम पी रहे हैं और ऊपर पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव, जय माता दी। छठ के लड्डू हैं, बहुत अच्छी है। मैं और मेरी सिस्टर चालू है ना, वो जब भी यहाँ पे आया करते थे ना, तो हम ये ढूंढते थे ये कहीं मिले और इसको खाएं। पहले ही स्पेशल वेट करके हम सारी सिस्टर्स बैठ के ब्रदर्स बैठ के ये खाया करते थे। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ना। पर अभी तो ऐसे यहाँ मिल रहा है हमें, तो एक जैसे वो हलवाई टाइप का बंदा होता था वो ऐसे बना के वहाँ पे दे रहा होता था, बहुत टेस्टी है। लेकिन जो जूसी कम है जो हम लेकर करते थे, जूसी बहुत अच्छा है, अच्छा नो डाउट, मज़ा आ रहा है। बाकी हमने थोड़ी कैलोरीज भी हैं, खाएंगे तभी चल पाएंगे। आई थिंक 3.5 किलोमीटर रह गया है ना, 3 उसके माइंड में 3 चल रहे हैं, मेरे में 3.5 चल रहा है, रियलिटी पता नहीं क्या। ओके ऑलमोस्ट ये लास्ट पहाड़ी है, इसके बाद घूम के नेक्स्ट पहाड़ी आ जाएगी। ये पहाड़ी वहाँ से नीचे दिखती है पर इसके पीछे कुछ नहीं दिखता। ऑलराइट है ना, जय माता दी। देखिए हमारे पीछे ये पहाड़ी है, जब आप देख लोगे ना वैष्णो देवी में, तो दैट मीन्स आपका भवन बिल्कुल इस टर्न के पास है, बहुत सुंदर, बहुत पास है और बहुत सुंदर लग रहे हैं। पर ये ध्यान रखना कि ज़्यादा देर यहाँ पे रुकना नहीं है आपने, क्योंकि ये पत्थर कभी भी गिर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इन पत्थरों में देखो, ये पेड़ भी उगे हुए हैं, घास भी उगे हुए हैं, इस पहाड़ी में जान है, जान है इस पहाड़ी में, नमी है इसमें। और वाओ ब्यूटीफुल। ये देखिए ATM भी है यहाँ पे, फुल पावर पहुँच चुके हैं हम फाइनली। भोजनालय, डॉर्मेट्री आ गया है, चप्पलों में आई है भैया, डॉर्मेट पर चला जो ऊपर आ गए। फाइनली जय माता दी, जय माता दी, वाह जी वाह। अब एंट्री वहाँ पे है, चलती रहो, डोंट वेस्ट एनी टाइम। सॉरी ये देखो कितनी भीड़ है, ये भीड़ है भैया केबल कार की बैरनाथ जाने की। सागर अच्छा है, गुली बोल रही है, और यहाँ पे सागर अपना भी खुल गया देखो जी, सागर अपना वो देखो रोबन। हाँ ये पुलिस चेक पॉइंट है और यहाँ से फिर रास्ता है जाने का।
तो माता जी के यहाँ पे आगे एंट्री करते ही यहाँ पे मेरा ये टूट गया। ये क्या होते हैं बेबी? ये स्टोन्स होते हैं जो हमारी वेन्स के साथ कनेक्ट होते हैं, और जैसे कि ये है, ये हमें मेंटली स्ट्रेंथ देते हैं। टाइगर स्टोन हमारी पर्सनालिटी एनहांस करते हैं। दीज आर द ब्लैक स्टोन, है ना? तो ये अभी इनका काम पूरा हो चुका है। तो ये एक तो हो गया। हाँ, मैंने यहाँ पे आके करवाया। इट मीन्स यू क्रॉस वन लेवल विद योर पेशेंस, नाउ यू आर मेंटली स्ट्रांग, है ना, एंड फिजिकली फिट। और शांत भी, राइट? हो गया था एकदम। हाँ, तो इसका मतलब अब आपको इनकी इनकी जरूरत नहीं है। आई हैव क्रॉस फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल इज देयर। अब हम करेंगे माता जी के दर्शन। आओ, जय माता जी। और कौन सा? एक यहाँ पर, एक आगे में भी है, तो साइड वाले से बिल्कुल आप अलग जाए, है ना? छमने का नहीं ना। आ जाओ बेटा, स्टाइल मिला है एक नया। हाँ, आ जाओ। मतलब बता के गया शॉर्टकट। यू कैन डू दिस, आई एम प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड, कम ऑन। तो अभी हम ये लॉकर, ये लोकल रूम है, लॉकर है यहाँ पे सारे। यहाँ पे अपने बैग रखते हैं और सारी बिलोंगिंग्स लाइक मोबाइल फ़ोन, कैमरा, एक्शन, हर चीज़ यहाँ पे ही होती है। देखिए इतनी लंबी लाइन है, ये देखिए बिल्ली साथ में आ रही है। आ जाओ, आगे शॉर्टकट है, जल्दी आ जाओ। वाह जी वाह, कोई बंदा बता गया है। और अब हम उसको रिडीम करेंगे बात को। ये रहा, थोड़ी आगे आ जाना, लॉकर में लाइनों में खड़े ना होना ज़्यादा, ठीक है? तेरा ये देखिए, गुल्ली रख रही है कैमरा ध्यान से रखते हुए, और आपको हम दिखाते हैं, इस लॉकर दिखाते हैं। ये देखो, ऐसे लॉकर बने होते हैं, ये ऐसे बड़े सारे लॉकर हैं। फास्ट फास्ट हमने दर्शन करने हैं, तो आपको फास्ट फास्ट ही दिखाएंगे। कभी भी अपनी पत्नी के पैर वो नहीं रखना होता, ऐसे रखना होता है। थैंक यू। आप लॉकर बंद कर सकते हैं, है ना? हमने दर्शन कर लिए, और बहुत बढ़िया, खुले दर्शन, खाली पड़ा था। अच्छा, और उसके बाद भैरवनाथ हम नहीं जा पा रहे क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ही ज्यादा केबल कार की हमें मिल नहीं रही है। और दूसरी बात यह है कि भी पैदल हम जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, है ना? तो हम अभी बस नीचे जा रहे हैं। हमने माता जी के दर्शन कर लिए, वहाँ से मत्था टेक लिया था भैरवनाथ जी को। और बताओ, और क्या कहना चाहोगे? गुफा अभी जिंदा है, ऐसा लगता है कि गुफा जिंदा है, बिल्कुल पानी आता रहता है, है ना, ठंडी रहती है, एंड उसमें से पेड़ पौधे, छोटे छोटे घास वगैरह वो उगता रहता है। इनफैक्ट यहाँ पे सारे पहाड़ ऐसे हैं, सारे पहाड़ ऐसे, और दर्शन काफी अद्भुत थे, अच्छा लगा। बट वो लोग काफी जल्दी जल्दी करते हैं, है ना? जो लोग इतना दूर दूर से आते हैं, इतनी चढ़ाई चढ़ के, इतनी मुश्किलें वो करके, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए रुकने देना मुझे ऐसा लगता बनता है क्योंकि नहीं करना देते, नहीं करना देते, ऐसा पूरा दफा करना होता है। हम तो फिर भी यार बहुत 2-3 सेकंड के लिए खड़े रहे हम लोग, लेकिन नहीं करते। बाकी टाइम कितना हुआ अभी? 5 बजे हैं, 5 बजे, 5-7 हुए। हम लोग 11:30 बजे चले, 12 बजे, बीच में खाते पीते हुए सब करते हुए हम लोग पैदल आए हैं प्रॉपर। और अब अगर हम ढंग से चले तो 7 बजे तक नीचे हैं। हाँ, आराम से 2 घंटे ही लगते हैं, बाकी आपकी जा सकते हैं। ठीक है, केबल कार आपको नजर आ रही होगी, और यहाँ पे तो बहुत भीड़ है भाई केबल कार की। ऑटो का भी सीन ऐसा ही है, ऑटो भी मिलता नहीं है इतनी जल्दी, बस एक घोड़ों का ही है कंसेप्ट यहाँ पे, जो एक्टिव है हमेशा से, वो देखो जा रही है। क्या है, बहुत ज़्यादा सीन है अब फाइन। हाँ यार, है तो फीलिंग, बट ठीक है यार, जो कर सकता है जो अपना, है ना, डिपेंडिंग ऑन हम
एवरीबॉडी सिचुएशन। लेकिन ये भी तो है कि चलो उनका भी तो एक सर्वाइविंग उधार आता है। हाँ चलो इस बात को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये देखिए टिकट्स मिल रही हैं इसी की केबल कार की बैटरी टिकट्स। और इतनी लंबी लाइन है देखो, फुल पावर लाइन है। वही है केबल कार ही है। हाँ हाँ वो देखो और बंदे कैसे खड़े लाइन में। अभी हम नहीं जा रहे इसलिए हम डायरेक्ट नीचे जा रहे हैं, बैटरी भी ख़त्म होने वाली है GoPro की। ऑलराइट सो पीछे मिलते हैं कहीं नीचे अच्छे। हर हर महादेव, शिव शंभू भोलेनाथ, जय माता दी। ओके फेसेस देख लो और इसको देख लो भाई। एक स्ट्रेच पे नीचे आ गए हम, तो सेकंड हाफ है वो हमने एक स्ट्रेच पे नीचे कर दिया है। ऑलमोस्ट 35 मिनट लगे होंगे है ना, हमें टोटली मेरे ख्याल से 1 आवर 10 मिनट मैक्सिमम, 1 आवर 10 मिनट, 1 आवर भी हो सकता है। तो मतलब हमने टोटल 3.5 प्लस 4.5 लेस देन फाइव आवर्स टोटल 5 आवर लगाओ, हमने डन ही कर दिया। कैसा लग रहा है, थक गया ना, हालत बुरी हो गई यार। देखो उसने चप्पल में पैरों की पूरी हालत हो गई। अभी हम अपने आप टेक केयर करेंगे पैरों की, दो दिन फिर चढ़ाई स्टार्ट करेंगे अमरनाथ की। ओके माता रानी ने हमें बहुत एनर्जी दिया, मतलब हमें बहुत बढ़िया अचीवमेंट अचीवमेंट है। आपने बहुत बढ़िया किया बेबी, हर हर महादेव। सक्सेसफुली हमारे सात देवियों की यात्रा यहाँ पे कंप्लीट होती है। जय माता दी, अल्लाह भी मेरी जान शाही। आप नहीं होते फिर नहीं हो पाता ना इतना कंप्लीट है। अगर आप नहीं होते तो आप ये ना हो पाता। आप मेरे हिम्मत थे, मेरा हाथ पकड़ के इतने घंटे मेरा हाथ पकड़ के करवाए उन्होंने, चढ़ाइयाँ उतराइयाँ दोनों। ओके आई होप कि आपको ये यात्रा अच्छी लगी हो हमारी सात देवियों की यात्रा। अब हम आगे जाएंगे अमरनाथ, और आखिर में हम ये कहेंगे कि आप भी यहाँ पे आओ और यहाँ पे दर्शन करो, और अगर मौका मिले तो अमरनाथ जरूर जाना। कैसी लग रही है जर्नी हमारी जरूर बताना, और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, कमेंट करके बताना आपकी क्या बेस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ पे, और कौन सी देवी में हम जा सकते हैं। हम लोग हैं स्पिरिचुअल हनीमून पे। क्या ऐसे कभी किसी ने हनीमून किया है या कोई ऐसे करने का सोच रहा है, हम जानना चाहेंगे। हाँ जरूर कमेंट करके बताना। ऑलराइट तो यहाँ से अभी हम चलते हैं और आपको अगले शॉट नजर आएंगे होटल वटेल के है ना, हम पैर सेट कर रहे होंगे अपना। ओके हर हर महादेव, जय माता दी। फाइनली हम आ गए अपनी फेवरेट जगह निहारिका, निहारिका कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे हम करने जा रहे हैं डिनर। यहाँ का बस लंच रह गया और बाकी सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। आज क्या बनाया, सूप, टोमेटो सूप रेड क्रम्स के साथ, इसमें पाइनएप्पल रायता है, सैलड है, फुल पावा पनीर है, ये राइस पुलाव है, आलू है, दाल है, और ये खीर है और रोटी है। खीर है ना, फिर नहीं, फिर नहीं कहेंगे ऐसे। ऑलराइट जगह है ना, मिनट भी उसने ऐसे नहीं बोला, बाबा यहाँ रुक जाते हैं, स्टे कर लेते हैं, पानी भी लेते हैं, खा लेते हैं, फुल पावर स्पीड आते हैं। एक्चुअली कंपनी मैटर करती है यार, आप कौन सा किसी के लिए रुकते हो? तुम्हारे लिए तो रुक सकता हूँ यहाँ थोड़ी देर बाद। ओके हम खाना खाते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय।